दोस्तों नमस्कार। दोस्तों IRCTC तिरुपति दर्शन के लिए शानदार टूर पैकेज लेकर आई है। तिरुपति दर्शन का यह टूर 3 nights 4 days का होगा। इसके लिए IRCTC ने स्पेशल ट्रेन चलाई है। दोस्तों इस टूर पैकेज के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस टूर पैकेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कितना फेयर होगा और क्या क्या रूल्स होंगे जिनका आपको पालन करना है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसे जरूर दोस्तों करने वाले लोगों के लिए अक्सर शानदार पैकेज लेकर आती रहती है। IRCTC इस बार तिरुपति दर्शन के लिए यह टूर पैकेज 3 nights 4 days का पैकेज लेकर आई है। IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम मुंबई तिरुपति चार्टर टूर है। IRCTC के इस टूर की डेट 10 नवंबर 2021 है। यह ट्रेन मुंबई से रेणिगुंटरा जाएगी। इस टूर पैकेज के तहत यात्री ठाणे, कल्याण और पुणे से यात्री बोर्डिंग करा सकते हैं। मुंबई से तिरुपति टूर के लिए एक ग्रुप में 62 यात्रियों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों इस टूर के तहत कुछ उस तरह का आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों फर्स्ट डे इस टूर के तहत मुंबई LTT से 18 नवंबर को शाम 6:45 पर रेणिगुंटा के लिए ट्रेन चलेगी। पूरी रात सफर करने के बाद दूसरे दिन रेणिगुंटा स्टेशन दोपहर 1:35 पर ट्रेन पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का नंबर 02163 है, लेकिन ट्रेन नंबर आप लोग बाद में भी पता कर सकते हैं, शायद कोई चेंजिंग हो तो। और दोस्तों सेकेंड डे रेणिगुंटा स्टेशन से चेक इन करने के लिए होटल में रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपको ले जाया जाएगा। फ्रेश होने के बाद भगवान शिव को समर्पित श्री कालहस्ती मंदिर और देवी श्री पद्मावती को समर्पित तिरचनारूप मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। टूर पैकेज के तहत दूसरे दिन होटल स्टे और डिनर की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस पैकेज में सेकेंड डे ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था नहीं होगी। थर्ड डे आपको ब्रेकफास्ट के बाद श्री बालाजी के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही आप लोगों को रॉक गार्डन, आकाशगंगा, पाप विनाशम तीर्थम, श्री वेंकटेश्वर संग्रहालय और TDD गार्डन की सैर कराई जाएगी। इसके बाद होटल से आपको वापस स्टेशन छोड़ दिया जाएगा। साथ में पैक किया हुआ डिनर यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। रेणिगुंटा स्टेशन से ट्रेन रात में 8:50 पर प्रस्थान करेगी। ट्रेन का नंबर 02164 होगा। रात भर सफर करने के बाद फोर्थ डे मुंबई LTT शाम को 3:40 पर पहुंचेगी। आप लोग चाहें तो अपने बोर्डिंग स्टेशन पुणे कल्याण थाने में भी उतर सकते हैं। यहां से आपका टूर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं फैसिलिटी की। तो दोस्तों आपको थर्ड AC से जर्नी कराई जाएगी। एक रात तिरुपति में होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। यात्रा के दौरान सभी रोड ट्रांसपोर्ट के लिए AC वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रा का सभी को बीमा कराया जाएगा। इस पैकेज में केवल एक ब्रेकफास्ट और 2 डिनर होंगे। और दोस्तों फोर्थ में आपका है भगवान श्री बालाजी, देवी पद्मावती और श्री कालहस्ती मंदिर के दर्शन के लिए दर्शन पास की व्यवस्था कराई जाएगी। पांचवा, एक बॉटल पानी आपको पर डे उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी। और दोस्तों 5 से 11 साल के बच्चों के लिए और ट्रिपल शेयरिंग के लिए अतिरिक्त मैट्रेस प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जाएगा, आपको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों यहाँ ड्रेस कोड भी मैंडेटरी है। जेंट्स के लिए धोती, वाइट और शर्ट या कुर्ता और पैजामा, लेडीज के लिए साड़ी या सलवार कमीज पल्लू के साथ अनिवार्य है। सभी के लिए वैलिड ID प्रूफ में आधार कार्ड होना चाहिए। दोस्तों फेयर की बात करते हैं तो 2 लोगों के लिए शेयरिंग फेयर है 12,999 और ट्रिपल शेयरिंग के साथ 12,729 है। और दोस्तों बच्चे का 5 से 11 साल तक का 12,179 लगेगा। तो दोस्तों ये थी इस टूर की पूरी जानकारी। अगर दोस्तों ये टूर आपको विजिट करना हो तो आप लोग IRCTC के टूरिज्म पैकेज को बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों शेयर कर जरूर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।